जीएस ठीक था, मतलब जीएस का कुछ तुक्का लगाया मैंने, 5-6 5 ही तुक्का लगाया जी इसका। जी बाकी मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग मॉडरेट था, चल सकता था, चल सकता था जी। क्या क्या पूछा गया मैथ रीजनिंग में? रीजनिंग में इस बार दो अति से था, कैलेंडर से था, पिछली बार कैलेंडर से नहीं रहा था, ठीक है। और मैथ में लगभग चल सकता था, एक टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। आप बताइए डिटेल में। रीजनिंग जैसा कि मैंने बताया कैलेंडर था दो, ठीक है, और बाकी रीजनिंग मॉडरेट था, चल सकता था। मैथ का एक दो लेंदी क्वेश्चन था, एक जो टाइम डिस्टेंस से मुझे याद है एक लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। जीएस ठीक था, जीएस में करंट अफेयर्स भी थे दो तीन, और इसके बाद रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का वोकैब ठीक था, प्रीवियस ईयर था रिपीटेड इस बार जी। मैथ रीजनिंग तो एकदम आसान होगा, मैथ रीजनिंग आसान कह सकते हैं बट मॉडरेट था कुछ क्वेश्चन। अच्छा, 100 बनाए हैं, कितना सवाल गलत होने का लग रहा है कि हो जाए गलत? मैथ रीजनिंग तो 100 सही है, उसमें तो कोई अति नहीं है। जीएस थोड़ा सा तुक्का है, 5-6 जीएस तुक्के हैं जी। करंट अफेयर में तुक्का लगाया था या फिर साइंस वाइंस के क्वेश्चन पे लगाए हैं? नहीं, एक करेंट अफेयर्स का था, बाकी दो मतलब ये था सादा, एक साइंस का था, वो मतलब साइंटिस्ट पूछ लेता है ना इसवी वगैरह वाला, तो तुक्का था थोड़ा सा। बहुत कैंडिडेट घबराए हुए हैं कि क्या पूछेगा सीजन, ऐसा कोई घबराने वाला बात नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते, बट हाँ इस बार कट ऑफ आ जाएगी। पोस्ट कम है या फिर कैंडिडेट ज़्यादा है इसलिए? पोस्ट भी कम है, और रैदर देन आपको बता दें कि अभी मेंस का सब जो प्रिपरेशन कर रहा है वही लड़का यहाँ भी दे रहा है, तो कट ऑफ आ जाने की चांसेस ज़्यादा है। अभी मेंस का तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने दो बार मेंस दिया। सीएचएसएल का? सीजीएल दो बार दिया और सीएचएसएल एक बार इस बार जी। कितना होप कर रहे हैं कि नंबर आ जाएगा आपका? 160 के आसपास। आपके रिजल्ट के लिए आशा करते हैं, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। किस सर जाएगा? कितना? एक मिनट, चारों मिलाकर कितना बना है? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन कैसा लगा? मैथ में थोड़ा मतलब समय ज़्यादा लग रहा था, मैथ हाँ डिफिकल्ट लग रहा। और बाकी रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग आसान था पूरा। इंग्लिश? इंग्लिश भी नॉर्मल ही था। जीएस में क्या क्या पूछे इस शिफ्ट में? जीएस में हम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन था। रिसेंट वाला था या थोड़ा पुराना करंट अफेयर? 2022 का था। कुछ याद है सवाल? नहीं, क्वेश्चन नहीं याद है। कितना? 70 बनाया है ना टोटल, कितना सही हो जाएगा लग रहा है? 60। तब तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ आप बनाए हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? दो साइनो दो एंटो था, आइडियम्स फ्रेज लिख क्वेश्चन याद नहीं है। पैसेज था? क्लोज टेस्ट। चलिए, शुभकामनाएं आपको। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप कितना बनाए हैं? आप कितना अटेम्प्ट किए? हम 100 में से 80 अटेम्प्ट कर दिए। 80 सवाल आपको कैसा लगा टोटल? बढ़िया था, बनाने लायक था। हाँ, जीएस में क्या क्या पूछा है आबरी? जीएस में आधुनिक पूछा, मतलब कि इधर का मतलब 2023 में सबसे बिहार में भले भारत में सबसे पिछला जिला कौन सा है? ठीक है, और बहुत क्वेश्चन था, याद नहीं है अभी। मैथ भी है। अच्छा, मैथ में सब बना लिए क्या? हाँ, मैथ नहीं लगता है, सब बना लिए। मैथ रीजनिंग मतलब थोड़ा हैवी था, अच्छा था। इंग्लिश में? इंग्लिश थोड़ा कट ऑफ था, टफ था, हल्का तो उतना बहुत नहीं था। साइंस वाइंस से कुछ सवाल मिला कि नहीं? साइंस से दो सवाल आया था, दो आया था। कौन टॉपिक से था वो? पादप से यानी बायोलॉजी से। केमिस्ट्री फिजिक्स से कुछ? सबसे कुछ नहीं मिला। 80 बनाए हैं, कितना लग रहा सही हो जाएगा? देखिए अब कितना होगा सिलेक्शन का चांस इस बार, अब आएगा कट ऑफ कितना जाएगा तब ना मालूम।